नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके मेरे YouTube चैनल अभ्यास विद अस्कर में। दोस्तों, हम लोग वर्णमाला का चैप्टर पढ़ रहे हैं और वर्णमाला के पहले भाग में हम लोग वर्णमाला के भेद और स्वरों के बारे में पढ़े हैं, साथ ही साथ स्वरों के वर्गीकरण के बारे में भी पढ़े थे। अब हम लोग को पढ़ना है व्यंजन के बारे में। तो सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि व्यंजन होता क्या है। व्यंजन हमेशा स्वर युक्त होता है, यानी उसमें हमेशा अ लगा रहेगा। जैसे हम बोलते हैं क, इसमें अ लगा हुआ है, यानी वह वर्ण जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन की मूल संख्या 33 होती है, लेकिन दो द्विगुण व्यंजनों को जोड़ देने पर ये 35 हो जाती है। अब चलते हैं इसके वर्गीकरण के तरफ। व्यंजनों का वर्गीकरण तीन प्रकार से किया जाता है, एक स्पर्श व्यंजन, दूसरा प्राणत्व के आधार पर और तीसरा घोषत्व के आधार पर। स्पर्श व्यंजन वह व्यंजन होता है जब हवा फेफड़े से निकलकर मुख के किसी विशेष स्थान पर टकराती है, जैसे कंठ से, तालू से, मूर्धा से, होंठ से या दांत से, कहीं न कहीं टकराने के बाद वो बाहर निकलती है, तो इस प्रकार के व्यंजन को हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। दूसरा होता है प्राणत्व के आधार पर। प्राणत्व के आधार पर चलेंगे तो प्राण का मतलब है कि हवा कितनी निकली। अगर अधिक मात्रा में जोर लगा रहे हैं, अधिक मात्रा में हवा निकली तो अल्प प्राण, यदि कम मात्रा में निकली तो महाप्राण। जैसे आप किसी वर्ण को बोल रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने बोला व्यंजन में क, तो क बोलने में प्राण कम लगा इसलिए ये अल्प प्राण है, लेकिन हम बोलते हैं ख, यहाँ पर ज़्यादा प्राण लगा तो ये महाप्राण है। महाप्राण व्यंजन के लास्ट में हमेशा हकार ध्वनि होती है। हकार ध्वनि का मतलब, हकार ध्वनि का मतलब वह ध्वनि जिसमें लास्ट में ह आता है, ठीक है। जैसे आप थक जाते हैं तो बोलते हैं ठीक, उसी तरीके से होता है ख, ठीक। आप जब इसमें चलेंगे तो पहला, तीसरा और पाँचवा, पहला, तीसरा और पाँचवा हमेशा अल्प प्राण, यानी पहले कम जान लगाते हैं, फिर एक छोड़कर तीसरा कम जान लगाएंगे, फिर पाँचवा कम जान लगाएंगे, दूसरा और चौथा हमेशा महाप्राण होता है। इसी तरीके से अगला हम लोग चलते हैं घोषत्व के आधार पर। घोषत्व के आधार पर दो होता है, एक होता है अघोष और दूसरा होता है सघोष। यदि स्वर तंत्रियों में कंपन हुआ तो सघोष, यदि कंपन नहीं हुआ तो अघोष। हमेशा पहला और दूसरा अघोष होता है, तीसरा, चौथा, पांचवा, यानी अंतिम तीन हमेशा सघोष होता है। अब नासिक के व्यंजन वह होता है जिसका उच्चारण नाक से भी हो, नाक से भी हो तो हमेशा क्या होते हैं, नासिक के व्यंजन होते हैं, ठीक है। अब ये तो था इंट्रोडक्शन, अब हम लोग चलते हैं एक एक करके तीनों व्यंजनों के ऊपर। दोस्तों, हम लोग चलते हैं सबसे पहले स्पर्श व्यंजन में। तो स्पर्श व्यंजन में हमने बताया था कि फेफड़े से निकलकर किसी विशेष स्थान पर, विशेष स्थान का मतलब कंठ, तालू, मूर्धा, दांत या होंठ में से किसी एक स्थान पर टकराने के बाद वह बाहर आएगा, ठीक है। तो अब यदि वह कंठ से टकराता है तो कौन कौन से हैं, क, ख, ग, घ, अंग। जैसे बोलते हैं क, ख, ग, घ, अंग, ये कहाँ से निकल रहा है, कंठ से निकल रहा है। कंठ से जिसका भी उच्चारण होगा वो कंठ या क वर्ग वाले होंगे, कंठ या क वर्ग वाले होंगे, ठीक है। अब इसमें देखिए क को बोलने में कम समय लगेगा क, ख को बोलने में ज़्यादा लगेगा ख, ग को बोलने में कम प्राण लगेगा अल्प प्राण, घ को बोलने में घ, अंग नासिक भी आएगा और थोड़ा कम जन लगेगा, ठीक है। तो ये होता है अल्प प्राण, अल्प प्राण, अल्प प्राण। अब अघोष, स्वर क ख को बोलने में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होगा, लेकिन ग, घ, अंग इसको बोलने में कंपन होगा। यदि कंपन हुआ तो सघोष, यदि नहीं हुआ तो अघोष, ठीक है। अब इसी तरीके से आगे हम चलते हैं जिसका उच्चारण तालू से हो, ठीक है। तालू से, यानी जीभ में तालू से टकराने के बाद यदि कोई व्यंजन का उच्चारण होता है तो वह तालव्य में होगा, ठीक है। जैसे मुद्दे च, छ, ज, झ, य, ठीक है, च, छ, ज, झ, य, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो, इसको याद रखना कि ये जो
च वर्ग है, इसको हम स्पर्श संघर्षी भी कहते हैं, इसको हम स्पर्श संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इनका उच्चारण करते समय बड़ा संघर्ष करना पड़ता है, इतना आराम से नहीं निकलता। जैसे च छ ज, जैसे वो अंदर से निकलना ही नहीं चाह रहा है, वो कह रहे भाई साहब मैं अंदर ही रहूँगा, मुझे क्यों निकाल रहे हो, लेकिन मुझे निकालना है, बड़ी संघर्ष करके निकालना पड़ता है। इसलिए च वर्ग हमेशा स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है। इसके बाद मूर्धा, जिनका उच्चारण मूर्धा से होगा वो मूर्धन्य कहलाएंगे, ठीक है। अब मूर्धा क्या होता है, जब आप अपने जीभ को देखेंगे तो जीभ में जो ऊपर का हिस्सा होता है, जीभ जहाँ जाकर टकराती है, ठीक है, जैसे आप बोलते हैं ज़बान को ऐसे घुमाएं और घुमाने के बाद ऊपर की ओर ऐसे टकराएंगे, तो ये क्या होगा, मूर्धा, ठीक है। जैसे आप बोलते हैं ट, जीभ को ऐसे घुमाइए ऊपर टकराइए ट फंसाने के बाद, तो उसका उच्चारण वहाँ से हो रहा, मूर्धा से हो रहा है, इसलिए हम इस प्रकार के व्यंजन को बोलते हैं मूर्धन्य, ट ठ ड ठ ल, ठीक है, ठीक है। अब जैसे ट ड ल, अब बोले ट ठ ड ढ ल, तो ये होगा मूर्धन्य, क्योंकि उनका उच्चारण कहाँ से हो रहा है, मूर्धा से हो रहा है। तीसरा होता है दंत, चौथा होता है दंत, जिसका उच्चारण दांत और जीभ से हो, ठीक है। अब कैसे होगा, जैसे मान लीजिए आप किसी व्यंजन का उच्चारण कर रहे हैं और उसको बोलते समय क्या होगा कि जो जीभ है वो दोनों दांतों के बीच में फंस जाएगी और फिर आपको क्या होगा, छुड़ाना पड़ेगा। जैसे बोलते हैं त थ द थ, तो दोनों दांतों के बीच में जीभ फंसेगी इस तरीके से त, ठीक है। तो इसका उच्चारण चूंकि दांत से हो रहा है इसलिए हम इसको बोलेंगे दंत, ठीक है। त थ त ध न, ठीक है। अब आगे चलते हैं, जिनका उच्चारण ओठ से होगा वो होगा ओष्ठ व्यंजन, जैसे प, यह ध्यान दीजिएगा इसमें दोनों होठ एक दूसरे से लगने चाहिए, ये नहीं कि केवल हवा निकले, प फ प भ म, ठीक है। तो ये क्या है, प भ ब भ म, ये है ओष्ठ व्यंजन। तो इस तरीके से व्यंजन कौन कौन से हो गए भाई आपके, पहले हो गया कंठ, फिर हो गया तालव्य, फिर हो गया मूर्धन्य, फिर हो गया ओष्ठ, सॉरी दंत, और फिर हो गया ओष्ठ यानी क च ट त प, ठीक है। तो ये हो गया स्पर्श व्यंजन, इनका क्रम पूछता है कभी कदार, ठीक है। अब मान लो इसमें से कोई व्यंजन हम उठाते हैं, ठीक, और उनका हम स्थान देखना चाहते हैं कि वो किस स्थान पर है। जैसे हम लेते हैं ज को, ठीक। अब ज का स्थान बताइए कि ये किस स्थान पर है। देखिए पहले इसका वर्ग हम देखेंगे, तो ज किस वर्ग में है भाई, तालव्य में है, क्यों, च छ, क्योंकि तालु से उच्चारण हो रहा है। तो ज का उच्चारण कहाँ से हो रहा है, तालु से, यानी इसका स्थान क्या हो गया, पहले तालव्य हो गया। अब ये देखते हैं कि इसको बोलने में ज़्यादा टाइम लग रहा है कि कम टाइम लग रहा है। अगर आप बोलें च छ ज, अब ज क्या है, तीसरे नंबर पे आ रहा है, तो हमने बताया था कि पहला और तीसरा पांचवा ये क्या होता है, अल्प प्राण होता है, यानी ये तीसरे नंबर पे आया तो ये क्या हो गया, अल्प प्राण हो गया, ठीक है। अब ये देखना है कि ये अघोष है कि सघोष है, तो पहला दूसरा अघोष और बाकी तीसरा चौथा पांचवा क्या होता है, सघोष होता है। तो च छ ज चौथे नंबर पे आया, तीसरा, तीसरा है मतलब कौन सा होगा, सघोष होगा, तो ये इसको क्या लिख सकते हैं हम, सघोष, यानी ज क्या, ज का पोजीशन कहेंगे कि तालव्य अल्प प्राण और सघोष में है, ठीक है। अच्छा इसी तरीके से आप कोई भी ले लीजिए, फॉर एग्जांपल आपने न ले लिया, तो न कहाँ होगा भाई, दंत में, फिर सघोष, अल्प प्राण और नासिकीय, इस तरीके से होगा, ठीक है। तो यहाँ तक आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं कि कहाँ तक हम लोग पहुँचे हैं, म तक, म के बाद क्या आएगा, य र ल व, तो अगला व्यंजन होता है अंतस्थ व्यंजन, अगला व्यंजन होता है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं य र ल और व, य र ल व।
अब ये समझिए पहले कि अंतस्थ व्यंजन कहते किसे हैं। अंतस्थ व्यंजन वह होता है जब फेफड़े से हवा निकलने के बाद किसी विशेष स्थान पर न टकराए बल्कि सीधे बाहर चले जाए बिना किसी रुकावट के। तो यदि बिना किसी रुकावट के बाहर चला आता है तो वह अंतस्थ व्यंजन है, लेकिन यदि किसी विशेष स्थान पर टकराता है तो वह अस्पर्श व्यंजन है। ठीक है, तो अंतस्थ व्यंजन में कौन सा आता है? य, र, ल, व। अब इसमें जो य है और व है इनको हम बोलते हैं अर्धस्वर। ये किसके अंतर्गत आते हैं? अर्धस्वर में आते हैं। वहीं पर जो ल है और र है तो ल होता है पार्श्विक पार्श्विक व्यंजन, ल होता है पार्श्विक व्यंजन और र होता है लुंठित व्यंजन। ठीक है, तो अर्धस्वर, अब देखिए यह व को अर्धस्वर क्यों कहा गया है? क्योंकि कभी कदार ये स्वर का काम करते हैं तो कभी व्यंजन का, चूंकि ये दोनों में कार्य करते हैं इसलिए इनको हम अर्धस्वर कहते हैं। वहीं पर ल को पार्श्विक व्यंजन भी कहा जाता है, इसलिए क्योंकि यह पार्श्व जीभ के पार्श्व से या पिछले हिस्से से इसका उच्चारण होता है, इस कारण से इसको हम पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। वहीं पर र को लुंठित व्यंजन कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि ये ऐसे ही जवान फिसल जाते हैं। ठीक है, तो ये लुंठित व्यंजन होता है। तो य, र, ल, व क्या होते हैं? अंतस्थ व्यंजन। अच्छा, य, र, ल, व के बाद क्या आएगा? अगला व्यंजन बताइए। अगला व्यंजन होगा स, श, स, ह। ठीक है, तो वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं ऊष्म या संघर्षी व्यंजन, ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। तो भाई ऊष्म या संघर्षी व्यंजन क्या होते हैं? वह व्यंजन जिनका उच्चारण करने पर उष्मा उत्पन्न हो, या वह व्यंजन जो संघर्ष या रगड़ कर बाहर आए, तो वो क्या कहलाते हैं? उष्म या संघर्षी व्यंजन। इसमें क्या हमने बोला कि उष्मा हो जिसको बोलने पर, या गर्मी हो जिसको बोलने पर, या जो संघर्ष करके बाहर आए वो कहलाते हैं उष्म या संघर्षी व्यंजन। और उसमें कौन कौन से होते हैं? इसमें होते हैं स, श, स और श। बड़ी गर्मी हो रही है, ठीक है, गर्मी तो सच में बहुत हो रही है। तो श ये क्या है? उष्म या संघर्ष व्यंजन, संघर्षी व्यंजन होता है। ठीक है, अब ये नहीं कि गर्मी हो जबान तो इसका मतलब आग ही लग गई पूरे जबान में या शरीर ही गर्म होने लगा, ऐसे नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? स, श, स, ह ये रगड़ करके निकलते हैं, इसलिए इसको हम बोलते हैं उष्म या संघर्षी व्यंजन। अच्छा, संयुक्त व्यंजन, तो संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं भाई? संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि जब कभी भी दो व्यंजनों को या दो वर्णों को जोड़ा जाता है तो जो दो व्यंजनों को जोड़कर या योग करने के उपरांत प्राप्त होता है उसे हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। यानी दो व्यंजनों के संयुक्त योग से जो बनता है उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इसमें चार होते हैं, कौन कौन से होते हैं? एक होता है छ, दूसरा त्र, ज्ञ और स्र। दोस्तों पिछले वीडियो में हम लोग इसके बारे में पढ़ चुके हैं कि छ, त्र, ज्ञ और स्र किन दो व्यंजनों से मिलकर बना होता है। तो इसमें दो व्यंजन किससे किससे मिलकर बना होता है? क, स, त, र, ज, य और श, र। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जैसे आप इंग्लिश में लेते हैं के एस एच, इसी वीडियो में बताया था के एस एच, के, क, एस एच, स, त्र को कैसे लिखेंगे? टी आर ए। ठीक है, टी, त और आर ए, र। ज्ञ, ज्ञ को कैसे बोलेंगे भाई? असल में ये ग और ज के बीच का साउंड होता है, तो जैसे आप ज लिए, ठीक है, और इसमें इय ऐसे लगा दिए, ठीक है, तो ये क्या बन गया? ज्ञ, तो ज और इय का है। उसी तरह आप श्रीमान बोलते हैं श्र, तो श और र इससे बनता है श। तो संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? चार होते हैं, छ, त्र, ज्ञ, स्र। ठीक है, अच्छा, अब
अगला हम लोग चलते हैं लास्ट अयोग वाह के बारे में। अयोग वाह, ठीक है दोस्तों, अयोग वाह में केवल दो ही आते हैं, एक होता है अनुस्वार और दूसरा होता है विसर्ग। तो अनुस्वार का मतलब, जैसे ये बिंदी लगी हुई है ऊपर, जो बिंदी लगती है अनुस्वार और विसर्ग, ये अनुपात वाला साइन जो लग रहा है आपको, ये क्या होता है, विसर्ग होता है। तो अनुस्वार में जैसे आप पहले पढ़े होंगे अंग और अह, ठीक है, तो अंग और अह कोई स्वर नहीं है, बल्कि यहाँ पर अ के ऊपर अनुस्वार और अ के साथ विसर्ग लगाया गया है, इसलिए ये अंग और अ हो गया। आप कुछ और ले लीजिए, आप क ले लीजिए तो कंग हो जाएगा, क हो जाएगा, आप ख लीजिए तो खंग हो जाएगा, ख हो जाएगा। तो चूंकि अनुस्वार और विसर्ग आएंगे किस में, स्वर में या व्यंजन में दोस्तों, ये न तो स्वर होता है न तो व्यंजन होता है, ये स्वर और व्यंजन के बीच की कड़ी होती है, इसीलिए इसे हम अयोग बोलते हैं कि ये न तो स्वर है न तो व्यंजन है, लेकिन फिर भी ये अर्थ को वहन करता है, इस कारण से इसे हम अयोग वाह कहते हैं। चूँकि ये अयोग होते हुए भी अर्थ को वहन करता है, इसलिए इसे अयोग वाह कहते हैं। और इसमें दो होते हैं, अनुस्वार और विसर्ग, एक बिंदी दो बिंदी, ठीक है, अनुस्वार और विसर्ग होते हैं। तो यहाँ से आपका व्यंजन का चैप्टर समाप्त होता है। बस एक चीज़ और छूटी हुई है, उसको भी ज़रा देख लेते हैं, वो होता है आगत व्यंजन। तो हम जानते हैं कि हिंदी भाषा में कुछ ऐसे व्यंजन हैं जो कि विदेश से आए हुए हैं, आगत हैं, बाहर से आए हुए हैं, और बाहरी भाषा में हमारे ज़बान पर सबसे ज़्यादा प्रभाव उर्दू और अरबी का पड़ा है, फारसी का पड़ा है। तो इससे जो विदेशी या बाहरी या आगत आए हुए जो व्यंजन होते हैं वो कहलाते हैं आगत व्यंजन। जैसे आप बिंदी वाले जितने भी ले लीजिए, जैसे आपने ले लिया ज, इसके नीचे बिंदी लगा दिया, फ इसके नीचे बिंदी लगा दिया, ठीक है, आपने क इसके नीचे बिंदी लगा दिया। तो ऐसा नहीं कि केवल बिंदी लगाना है, जब आप उच्चारण करेंगे तो उच्चारण जैसे करते हैं तो ये ज है, ये फ है, ये क है, ठीक है, जरा इसको आप इंग्लिश में समझेंगे तो इस तरीके से ये जेड है, ठीक है, ये एफ़ है, ये क्या है, ये क्यू है, इस तरीके से। आप ऐसे गाज़ीपुर देख लीजिए तो गाज़ीपुर में क्या है, जेड लगा हुआ है। इसी तरीके से आप फ देखे दो होता है, फ, ठीक है, ये फ है और ये फ है। अंतर क्या है दोनों में, फ और फ में, फ जो है वो सीधा एफ है, ठीक है, केवल एक ध्वनि निकलेगा, केवल एक हवा निकलेगा, फ, ये फ है, यानी ये पी एच है, फ जो हम प वर्ग में पढ़ चुके हैं, यानी ओष्ठ में पढ़ चुके हैं, वो ये फ है। तो फ और फ, फ अलग है। तो जितने भी बिंदी वाले हैं, नीचे बिंदी लगाई गई है, ये सब आगत व्यंजन हैं, ठीक है। तो इस तरीके से व्यंजन का चैप्टर आपका समाप्त हो जाता है। अब वर्णमाला का पहला और दूसरा, इन दोनों वीडियो में हम लोगों ने वर्णमाला को अच्छी तरीके से समझ लिया है। अब हमें इसके अभ्यास की ज़रूरत है, यानी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, ये देखना है कि ये प्रश्न किस तरीके से एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और हम कितना तैयार हैं इसके लिए। तो दोस्तों, इसके लिए तीसरा वीडियो देखना ना भूलें, जिसमें मैंने प्रैक्टिस कराया है और उन क्वेश्चनों को सॉल्व कराया है जो अब तक एग्ज़ाम में आ चुके हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ यहीं पर मैं अपने वीडियो को रोकता हूँ। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें।